ये क्या है, वॉस तो क्या है, वॉस एक रूल है, ठीक है। जैसे अभी आप क्या करते हो, बाईलॉस पढ़ते हो ना, बिल्डिंग बाईलॉस, तो बाईलॉस क्या है, एक रूल है जो कि आज के टाइम पे कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग बन जाता है। ऐसे ही पहले क्या होता था, पहले कॉरपोरेशन तो था नहीं, तो बिल्डिंग बाईलॉस की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो बाईलॉस की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट घर बनाने के लिए नियम तो हमेशा रखेंगे ना। कहते हैं ना वास्तु शास्त्र, शास्त्र मतलब होता है नीति, रूल्स। तो रूल्स तो हर चीज के लिए है, ठीक है, पहले भी थे आज भी थे। ब्रश करने के लिए पहले भी रूल थे आज भी रूल है, ठीक है। खाना खाने के लिए पहले भी रूल थे आज भी रूल्स है, वैसे ही घर बनाने के लिए पहले भी रूल्स थे और आज भी रूल्स है, ठीक है। तो जो पहले के रूल्स हैं उन रूल्स को बोला जाता है वास्तु रूल्स, और उन्हीं रूल्स को आज के टाइम के अकॉर्डिंग जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो पूरी तरीके से वो साइंटिफिक दिखते हैं, ठीक है। हम उन रूढ़ी अवधारणाओं को न मान के साइंटिफिक तरीके से समझें कि उसमें कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए, तो हम सबके लिए यूजफुल होगा। कुछ कंपनियां जो छोटी कंपनियां होती हैं या फिर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि अगर आपको वास्तु का नॉलेज है तो प्रैक्टिकली गुड होता है, जो बहुत बड़ी कंपनी है उनके लिए वास्तु इतना बड़ा मैटर नहीं करता है और जनरली उनको फॉलो करना भी टफ होता है, उसमें नहीं करते हैं। पर आप अपना खुद का कभी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वास्तु रूल आपको इतना फायदा करेगा कि जैसे ही क्या बोलते हैं, आप बताओगे मैं प्लान बनाता हूँ, 3D बनाता हूँ, और बोलोगे मैं वास्तु के हिसाब से बनाता हूँ, आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी, ठीक है। क्लाइंट्स मानते हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अपार्टमेंट वगैरह उनकी चल नहीं पाती है। छोटे घरों को कोई बनाता है तो वो समझता है कि अगर वास्तु के हिसाब से बनाएंगे तो अच्छा रहता है, तो इसलिए हमको उनको फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए कि अच्छा कौन कौन से रूल्स हैं और इनका साइंटिफिक मेथड क्या है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आंख बंद करके बस मान लो कि ये रूल है वास्तु का, अरे भाई वो ओल्ड साइंस है, ठीक है, वो ओल्ड साइंस है, बट हाँ प्रैक्टिकली जो चीज़ है कि नहीं ये होना चाहिए इसकी वजह से उसको हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी बट रूल है तो बताने चल रहा हूँ। लेक्चर 15 में आप लोगों ने वास्तु के रूल पढ़े होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जैसे कि आपने वहाँ पढ़ा होगा कि बेडरूम या फिर किचन, किचन कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ सॉरी साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन पे किचन होना चाहिए, ठीक है भाई, लेकिन अगर साउथ और ईस्ट खाली नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या है वो भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो रेटिंग्स होती है कि यहाँ रखा तो सबसे बेस्ट, यहाँ रखा ओके, यहाँ रखा ठीक है, यहाँ रखा चल जाएगा, तो ऐसे कुछ रेटिंग्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और प्लस ये वास्तु कहाँ से आया थोड़ा सा उसके बारे में भी नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है जी। तो एक तरीके से ये बिल्डिंग बाय लॉ ही है बट पुराने टाइम का लॉ है, आज के टाइम पे बिल्डिंग बाय लॉ आप यूज करते हो क्योंकि कॉरपोरेशन आपके यहाँ पर है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं, और इसकी जरूरत अभी थोड़ी सी ज्यादा धीरे धीरे पड़ने वाली है। उसका मेन रीजन ये है, मेन रीजन ये है कि अभी आज के टाइम पे लिमिटेड जगह है, तो वहां पर लोग चाहते हैं वास्तु के हिसाब से परफेक्टली चीजों को बना सके। तो प्लान अगर बनाने का आपका काम स्टार्ट करने वाले हो फ्यूचर में तो बहुत हेल्प करेगा। लेट्स सी कौन कौन से रूल्स हैं, आपका मन करे तो उनको फॉलो करना। आगे एक दो प्लान हम लोग बनाने वाले हैं जो वास्तु के हिसाब से होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लगेगा हाँ यार इसका इम्पोर्टेंस है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आप लोगों ने यहाँ पर एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, परफेक्ट है ये स्लाइड और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी इसमें दी हुई है, पर मैं थोड़े से और डीप में आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको वास्तु का पूरा नियम अलग से बताऊंगा, उसमें पूरा मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकली एज अ इंजीनियर हमें यूज करना चाहिए वो बताता हूँ। तो आप सबको समझ आ रहा होगा वास्तु शास्त्र, तो ये एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। वास्तु मतलब होता है नेचर, वास्तु मतलब क्या होता है नेचर, ठीक है। कहते हैं ना कि हमें नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी चाहिए, राइट, तो नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की करने का नियम था ये, इसलिए इसको दे दिया गया क्या नाम वास्तु। वास्तु इज संस्कृत मीन्स नेचर्स अ सराउंडिंग अ इन्वायरमेंट। हम लोग देखते क्या है बिल्डिंग बाई लॉस में, क्या देखते हैं, या फिर पुराने लैंग्वेज में बोलूँ तो वास्तु में देखते क्या है, अगल बगल का एटमोसफियर, ठीक है, जहां का जैसा एटमोसफियर वैसा उसको काम देने का। द वर्ड वास्तु डिनोटिंग दैट एनी थिंग एग्जिस्टिंग सच एज हाउस, शेल्टर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपके अगल बगल, चाहे घर हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे कोई बिल्डिंग बड़ी सी हो, ठीक है। और शास्त्र का क्या मतलब होता है, तो शास्त्र का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है सिस्टम, घर बनाने का सिस्टम।
तो वास्तु शास्त्र कुछ और नहीं है, ये घर बनाने का सिस्टम है। मजे की बात आगे है, क्या वास्तु शास्त्र इज एन एंशियंट साइंस कंटेनिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग विथ इंश्योर द हारमोनियस सॉरी हाँ यस हारमोनियस बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर्स। ठीक है, इसका मेन काम क्या था, वास्तु को क्यों हमको फॉलो करना चाहिए ये समझो। प्रैक्टिकली इसका मेन काम था मैन और नेचर, प्रकृति और इंसान के बीच में एक सही रिलेशन स्थापित करना। ठीक है, घर जरूरी है बेशक, बट उसके साथ साथ नेचर भी जरूरी है। नेचर मतलब केवल पेड़ नहीं होता है, नेचर मतलब सनलाइट होती है, नेचर मतलब हवा होती है, नेचर मतलब अगल बगल का स्पेस होता है। ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति, आपके आसपास की चीजें। तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस था वो वास्तु के हिसाब से पहले लोग स्थापित करते थे। आज हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैं प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उस पर आपको फोकस कर रहा हूँ, कोई इनके शास्त्र में नहीं जा रहा हूँ, कोई लॉस भी बहुत एंट्री नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि नेचर एंड देयर बाय द ब्रिंग ऑल द अराउंड हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटीज। ठीक है, लोग बोलते हैं वास्तु के हिसाब से घर बनाओगे तो बहुत ढेर सारी खुशियाँ रहेंगी, बहुत ढेर सारा पैसा रहेगा, हेल्थ अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा आपकी ख्यात बढ़ेगी। ठीक है, पर मैं हूँ इंजीनियर और आप हैं इंजीनियर, तो हमें कैसे सोचना चाहिए हैप्पीनेस क्यों आएगी? सीधी सीधी बात है कि जब आपको अच्छा फ्रेश हवा मिलेगा, क्योंकि वास्तु बोलता है ना जगह छोड़ो, बायलॉस क्या बोलता है फ्रंट एरिया छोड़ो रियर एरिया छोड़ो, तो जब अच्छा सा आपका क्या बोलते हैं आपके घर के अगल बगल शांति रहेगी तो हैप्पीनेस होगी। सनलाइट अच्छे से आएगी, ठीक है, जब डायरेक्ट आप सामने फ्रंट छोड़ोगे तो सनलाइट अच्छे से आएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और जब आप खुश रहेंगे और हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप काम अच्छे से करोगे तो वेल्थ आपके पास अच्छा आएगा, और वेल्थ जब आपके पास अच्छा है तो आज के टाइम में आप जानते ही हो अंबानी जी का कितना नाम है, तो प्रॉस्पर्टीज आपके पास आएंगी। तो मतलब वास्तु के हिसाब से ये सब नहीं आता है कि हैप्पीनेस आ गया, वेल्थ आ गया, हेल्थ आ गया, इसका कनेक्शन वास्तु से नहीं है। वास्तु का कनेक्शन है माइंड से, माइंड को कंट्रोल करने से, मतलब कि इन सब से आप माइंड को पीस दे सकते हो, और जो अच्छे से सोएगा, जो अच्छे से खाएगा, और जो अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा उसको हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटीज तो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली चलते हैं। वास्तु इज अ साइंस विच टीच अस द कंपैटिबल एंड क्रिएट द परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन पंच तत्व। ठीक है, पंच तत्व तो क्या होता है भी बताता हूँ। तो बायलॉस क्या करता है, मतलब वास्तु शास्त्र क्या करता है, ये एक बैलेंस बनाता है नेचर के और हमारे बीच। ठीक है, तो क्या है ये पंच तत्व? ठीक है, इन पंच तत्व की बड़ी अच्छी कहानी है, थोड़े से आपको लेके चलूंगा इन सब चीज़ों के लेके आपको कॉन्सेप्ट समझेगा कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये पांच चीज़ों से बनी हुई है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है ये पांच चीज़ों से, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, पांच चीज़ों से बनी हुई। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली है स्काई यानी आकाश से बनी हुई है, दूसरा पृथ्वी से बनी हुई है, तीसरा पानी से बनी हुई है, चौथा अग्नि से बनी हुई है, पाँचवा हवा से बनी हुई है। आप लोग सर क्या मजाक करते हो, क्या बोलते हैं हमारा जो बॉडी है वो स्काई से बना है, अर्थ से, या फिर वाटर से, या फायर, या फिर वायु? यस, इनसे बना है। प्रैक्टिकली आपको देखना है तो जो चीज़ जिससे बनी होती है जब उससे मिलती है तो बहुत खुश होती है। अब इसको कैसे आप देख सकते हो, आप कितने भी स्ट्रेस में रहो, ठीक है, आप जाके बाथरूम में जल वाटर फ्रेश पानी से एक घंटे या फिर आधे घंटे के लिए नहा के देख लो। ठीक है, आधे घंटे के लिए आप जब अपने क्या बोलते हैं पानी से आप नहाओगे, कितना भी स्ट्रेस होगा स्ट्रेस ऑटोमेटिक रिलीज होगा। कई बार आप लोगों ने अपने लाइफ में किया भी होगा, नहाया जा रहा हो अपने आप हर चीज़ का सोल्यूशन मिलता चला जाता है, ये फिक्स है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, आपने भी शायद किया होगा। आप कभी भी कहीं पर आग लगी हो, ठीक है, तो वो आग के सामने जस्ट आप खड़े हो जाओ, ठीक है, और क्या बोलते हैं बहुत से जगहों पे आप जहाँ पर भी आग है वहाँ पर, ठीक है, इसको हवन भी नाम देते हैं या फिर कोई भी नाम से, आप खड़े हो जाओगे आग के सामने, खड़े होने के बाद आपके अंदर एक शांति महसूस होगी, फील होगी। नहीं पता तो कहीं पर भी अगर आग लग रही है तो 5 मिनट के लिए खड़े होकर देखना। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा आग हो, आग इन सेंस जस्ट आग के सामने बैठ जाना, ठीक है, अभी ठंडी का टाइम है तो कई लोग बैठते भी होंगे, तो बड़ा ही पीस फील होगा आपको। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो जल से बना है और अग्नि से बड़ा है। तीसरी चीज़ पृथ्वी, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा आज के नए परिवेश में क्या नाम दिया गया है, मड थेरेपी,
मड थेरेपी आप लोगों ने सुना होगा। तो मड थेरेपी में कुछ और नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की दुकानें भी बड़ी अच्छी चलती हैं बाबा रामदेव वगैरह की। इससे क्या मड थेरेपी में क्या करते हैं, मिट्टी में आपको पानी डाल के लेटा देते हैं। तो पानी क्या है, पानी से भी आपकी बॉडी बनी है और मिट्टी से बनी हुई है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो बहुत ढेर सारे बॉडी के डिसीज जो होते हैं वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा में रहोगे तो आकाश सामने खुला रहेगा, और उसके बाद हवा लगेगा ही लगेगा, पानी आपने डाल ही दिया मड में और मिट्टी है ही। तो कुल मिला के आप ये समझो, इसका समझाने का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जो हमारी बॉडी है जब इन पांचों चीजों के टच में आती है तो ऑटोमेटिक बहुत फ्रेशनेस और बहुत ही एनर्जी के साथ काम करने लगती है। तो इसी के बेस पे ही पूरा का पूरा वास्तु साइंस जो है वो बनाया गया था कि इंसान को अच्छा भी फील हो, और उसके साथ जब अच्छा फील होगा तो डेफिनेटली वो हेल्थ वगैरह, अपना हैप्पीनेस वगैरह सब ला लेगा, ठीक है। इंसान को कुछ भी पाना ना अपने लाइफ में, प्रैक्टिकली सोचो तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए उसको, एक एनर्जी चाहिए अंदर से, बाकी तो कुछ नहीं यार। आपको क्या लेना है कि एक इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू में जॉब लेनी है 30-35 हज़ार रुपये, किससे ज़्यादा कुछ थोड़ी चाहिए आपको। तो ये 30-35 हज़ार रुपये बहुत छोटी है इंसान के पावर के आगे, ठीक है। तो यू कैन डू दैट डेफिनेटली, और उन सब में आपको ये पंच तत्व तो हेल्प कर सकते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा इसके बीच में नहीं जाऊँगा, इसको क्या बोलते हैं पंच महाभूत बोलते हैं, बट ये सब इंटरव्यू नहीं पूछेंगे इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, ठीक है। जनरली जो स्थान दिया गया है सबका, वो स्थान कैसे दिया गया है, उस स्थान से आप प्रैक्टिकली प्लान कर सकते हो अच्छे से। प्लान इन द सेंस प्लानिंग करना है आपको, तो बस ये चीज़ दिमाग में रखो। ये क्या है, यहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नीचे देख रहे होगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, और यहाँ देख रहे होगे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब सीधी सीधी बात समझो कि अगर कोई भी चीज़ को, अगर यहाँ पर जहाँ पर जल होगा तो जल का मतलब ये क्या, ठंडा। तो मतलब यहाँ ऐसी चीजें इस कॉर्नर पे आपको अगर बना रहे हो तो यहाँ पर ऐसी चीजें रखनी चाहिए जो चीज ठंडी हो, जैसे कि आपने टेम्पल्स बना दिया या फिर आपने स्टेयरकेस बना दिया, क्योंकि ठंडा जगह है ना, तो यहाँ पर आपको अच्छा हो सकता है। उसके अलावा आप सॉरी स्टेयरकेस नहीं बना सकते हो क्योंकि वस्तु के हिसाब से गलत हो जाएगा, बट जैसे कि आपने एक छोटा सा गेट लगा दिया, मेन गेट लगा दिया, तो यहाँ पर जल का स्थान है। अब इससे एक आइडिया लगा सकते हो, अगर जल का स्थान है मतलब पानी के बहाव इस तरफ लेके आओ, पानी के बहाव इस तरफ से ले आओ। प्लम्बिंग पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है, पुराने टाइम में प्लम्बिंग ऐसे करते थे। जल ओके मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूरा पानी लेके जाना है चारों तरफ से मिला के। दिमाग में कभी कुछ सोचना ही नहीं, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। पानी वाली पूरा ड्रेनेज प्लम्बिंग लाइन लेके आओ, यहीं कहीं पर ड्रेनेज बनाओ, यहीं से पूरा लेके जाओ। ओके जी, जल है तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आप अच्छे से अपना टेम्पल्स वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो, मेन गेट भी रख सकते हो, एक बेडरूम भी डाल सकते हो। ओके जी, दूसरा कॉर्नर पे देख रहे हो कि आपको लिखा है यहाँ पर वायु मतलब हवा, ठीक है। हवा का सीधा मतलब है कि जहां हवा रहेगा वहां ठंडक महसूस होगी, तो उस जगह पे अगर आप स्टेयर केस वगैरह रखोगे, थोड़ा खुला रखो या फिर बालकनी पॉसिबल है तो बालकनी रखो, जहां पर भी हवा का काम है उस जगह पे, उस जगह को आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे कि आपने जैसे कि पानी रख रहे हो तो पानी भी रख सकते हो आप, क्योंकि हवा है तो डेफिनेटली पानी आपका साफ रहेगा। तो ये वायु का स्थान होता है, कभी भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप आज जाओ या फिर कल जाओ अपने घर में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, सबसे ज़्यादा आपको हवा इसी डायरेक्शन में फील होगी, ये फिक्स है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देसी लैंग्वेज बोलते हैं ना कि आज पच्छू वाली हवा चल रही है, आज उत्तर वाली हवा चल रही है, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या ऐसी जगह है जहां पर पश्चिम से भी तो हवा चलेगी, वेस्ट से भी चलेगी तो भी हवा आएगा, नॉर्थ से भी चलेगी तो भी हवा आएगा, मतलब यहाँ पर कभी भी हवा की कमी नहीं होगी। अब प्रैक्टिकली सोचो कि यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से क्या रख सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, स्टेयरकेस बना सकते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं क्योंकि हवा है तो फ्रेशनेस होगी यहाँ पर। चलो इसके बाद यहाँ पर नीचे देख रहे होगे आपको लिखा हुआ है पृथ्वी, ठीक है। वास्तु के हिसाब से ये जगह जो होती है पृथ्वी की जगह होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अब इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ, इस जगह को बोला जाता है कि यहाँ पर मास्टर बेडरूम बनाओ। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि पृथ्वी का मतलब क्या है, जिसका भार ज़्यादा हो, ठीक है। पृथ्वी तो है जिसका सबसे ज़्यादा भार है ना, वेट। तो अपने वास्तु के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि अगर आपके घर के जो हेड मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर रखोगे तो पूरे घरों में उनका अच्छा शासन चलेगा, लोग उनकी बात को बहुत ज़्यादा मानेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, और इस जगह पे भारी भारी चीज़ों को रखना चाहिए, ठीक
ऐसा वास्तु कहता है। अब इसको साइंटिफिक तरीके से देखो, जनरली जो लोग प्लॉट लेते हैं या फिर नॉर्थ डायरेक्शन से लेते हैं या फिर ईस्ट, सबसे अच्छा होता है ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा होता है नॉर्थ, ठीक है। तो अब जो लोग यहाँ से जगह ले रहे हैं, जब मान लो ईस्ट डायरेक्शन से ले रहे हैं, तो पूरे घर में क्या होती है, हलचल होती रहती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तरह तरह की बातें होती रहती है। अगर आपके घर का हेड मेंबर इन बीच वाली जगहों पे कहीं पर भी रहेगा, तो माइंड से फ्रेश नहीं फील करेगा, फ्रेशनेस नहीं फील करेगा। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, एकदम शांति से कॉर्नर में जाके रिलैक्स करना चाहिए, जिससे कि वो अपने घर को लिए प्रोडक्टिव काम हमेशा के लिए कर सके। तो पृथ्वी से आपको समझ आए कि अच्छा, यहाँ पर वेट ज़्यादा है, या हेड मेंबर रहेगा वो अच्छे से रेस्ट कर सकता है। और सामान ज़्यादा क्यों रखना चाहिए भारी, ऐसा बोला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपके घर के जो हेड मेंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास होगा, ठीक है। पैसा मजाक है, बट क्या बोलते हैं, रियल में भी उनके पास चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो उनका अधिकार बनता है यहाँ पर पृथ्वी जैसी चीज़ों पर रहना, ठीक है। उसके बाद देखो कॉर्नर पर, देखो चौथे कॉर्नर पर लिखा है अग्नि। नाम से समझ आ रहा है कि आग का स्थान है। अब कभी भी लाइफ में आपको टेंशन हो ही नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमने अग्नि बता दी है, मतलब यहाँ पर किचन सेटअप आप करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर किचन सेटअप। अब कई लोग सोचेंगे सर ये अग्नि का क्या मतलब है, यहाँ पर अग्नि क्यों, ठीक है। आपके दिमाग में प्रैक्टिकली हो सकता है कि यहाँ पर अग्नि क्यों, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट रीजन है कि आपकी जो हवा होती है, ठीक है, अग्नि और हवा की लड़ाई होती रहती है, आपको पता होनी चाहिए। तो जबकि आपकी हवा है, ठीक है, वो कहाँ से आएगी, या नॉर्थ से आएगी या फिर वेस्ट से आएगी, ज़्यादातर जो मैक्सिमम गैस निकलेंगे। और ये जो साउथ ईस्ट है, इसका उससे कोई लेना देना है ही नहीं, ना इसमें नॉर्थ है ना ही वेस्ट है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे कम हवा का दबाव रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं प्रैक्टिकली इसको कैसे देखता हूँ कि इस जगह पे अगर आप किचन सेटअप करते हो तो ईस्ट डायरेक्शन से सनलाइट अंदर आएगी, ठीक है, क्योंकि हवा तो सॉरी सूर्य तो पूरब की तरफ से ही आते हैं ना। तो अगर इधर से सनलाइट अच्छे से आएगी तो आपके किचन में बहुत ढेर सारे, जैसे जिसके किचन में वेंटिलेशन नहीं होगा अच्छे से, अपने घरों में ही देखना, कीड़े मकोड़े कॉकरोच तरह तरह की चीज़ें आती रहती हैं, मेरे खुद के किचन में आ जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है। तो अब यहाँ से प्रैक्टिकली हम क्या समझ रहे हैं कि अगर सनलाइट नहीं आया तो किचन में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये सही जगह है क्योंकि यहाँ पर ईस्ट की लाइट आ जा रही है अच्छे तरीके से, और फ्रेशनेस फील होगी। दूसरा प्रैक्टिकल क्या तरीका मैं देखता हूँ कि इस जगह पे अगर है तो पूरे घर में आवाज़ नहीं होगा। इस कॉर्नर पे खाना बन गया, सीधी सीधी बात है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हो और आपके पीछे वाली दीवार 4 इंच की है, उसके पीछे बहुत तेज़ी तेज़ी से बर्तन गिर रहे हैं या फिर तरह तरह के खाने बन रहे हैं, सीटी बज रही है, तो कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब होगा, आपके जो गेस्ट आया रहेगा उसको डिस्टर्ब होगा। प्लस हम सब छोटे घरों में रहते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो हम लोग के घरों में कैसा होता है, किचन में जब घर खाना बनता है, सही जगह किचन नहीं है, तो पूरा हीट आप सबके घरों में आ जाता है, ठीक है। मेरे भी घरों में आता था, आपके भी घरों में भी आता होगा कि पूरे घर में हीट फैल जाता है, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं गेस्ट भी परेशान होगा। लेकिन अगर ये चीज़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये प्रॉब्लम्स कम होगी, ठीक है। बीच में होता है आकाश, ठीक है, यानी स्काई। तो आप सबको पता है, जितनी भी ओल्ड मूवीज देखी होंगी या फिर आपका पुराना घर, नानी का घर, जिसका बीच का पोर्शन पूरा का पूरा खाली रखते थे, क्यों? वास्तु कहता है आकाश, बट मैं कहता हूँ ये वेंटिलेशन का सबसे अच्छा सोर्स है अगर बीच को खोल दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि बीच ही एक ऐसी जगह है जहां से हर तरफ वेंटिलेशन जा सकता है। देखो, इससे अग्नि की तरफ भी वेंटिलेशन आएगा, जल की तरफ भी, मतलब बीच में अगर आप ओपनिंग देते हो तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये बोला जाएगा कि यार यहाँ पर कंजूसी हो रही है, ठीक है। लेकिन इसी आकाश की जो ओपनिंग है, इसको तुम लेके आओ अग्नि के साइड, तब क्या होगा, तब वायु को लगेगा यार मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। वायु की तरफ ले जाओ तो इसको लगेगा नाइंसाफी हो रही है। इसलिए बीच के पोर्शन को आकाश, यानी आज के टाइम के हिसाब से कोर्ट यार्ड या फिर आंगन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रखना चाहिए। और ये चीज़ अभी इंजीनियर्स बहुत गलत कर रहे हैं, थोड़ा फैंसी मॉडल में बनाने की कोशिश के चक्कर में इस चीज़ को साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। हम भी किए हुए हैं तो करने के गलत हम भी हैं, लेकिन जगह कम है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक तरीका वास्तु का। अब चल तो चलो यहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ें जो अभी हम लोग कर रहे हैं इससे मार्केट में, वो दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन है और कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं कि आपको इसको करना कंपलसरी है, पर अगर इसको आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कंपेयर में थोड़े से अलग बन पाओगे, भीड़ कम होगी इस सेक्टर में। देखो सामने एक दिख रहा है, ठीक है,
तो इसमें क्या दिख रहा है, कॉन्सेप्ट को समझो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किस चीज का जगह होता है, तो सबको शायद याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट जगह जो होती है किस चीज के लिए होती है। ठीक है, कोई कमेंट करके बताएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किस चीज के लिए होती है? अभी अभी जस्ट बताया दूसरे स्लाइड में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉर व्हाट वी कैन यूज। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स, और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, ओके, वाटर। ठीक, हमें बस ये जानना था वो किस चीज के लिए होती है, वाटर। ठीक है, वेरी गुड प्रज्ञा। तो अब यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर वाटर का रूम है, मतलब वाटर का स्थान है, मतलब ये ठंडा जगह होगा। ठीक है, यहां से प्रैक्टिकली क्या सोचो कि जो जगह है ये ठंडी जगह होगी, तो यहां पर क्या रखना चाहिए हमको, यहां पर हमें रखना चाहिए, ठीक है, यस, यहां पर हमें इंट्रेंस रख सकते हो, ठीक है, और टेम्पल्स रख सकते हो, ठीक है, आप वर्शिप रूम रख सकते हो, मेडिटेशन रूम्स रख सकते हो। अब मैं नहीं बोलूंगा कि अंधाधुंध वो कर लो, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, जहां से सनलाइट अंदर आएगी वहां अगर आप मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा ही अच्छा होगा आपके हेल्थ के लिए, एज वेल एज फॉर योर माइंड ऑल्सो। सेम वहां से आप निकलोगे घर से तो डायरेक्ट ही आप सनलाइट को देखते हो, तो विटामिन डी आपको डायरेक्ट मिल जाता है। जनरली आप लोग देखते हो उनके बालकनी टाइप का जो लोग घर के बाहर निकालते हैं, वो कहाँ निकालते हैं, गेट के सामने। तो गेट के सामने अगर खुला जगह छोड़ रहे हो तो वहां सनलाइट अच्छे से आ रही है, तो आपके घर के लोगों को विटामिन डी की कमी नहीं होती है, प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, इसकी वजह से वास्तु कहता है यहाँ पर एंट्रेंस रूम बना लो, पूजा रूम बना लो, मेडिटेशन रूम बना लो। ठीक है जी, इसके आगे देखो, ये जो जगह है, इस जगह को बोला जाता है एक्चुअली में कुबेर जगह, कुबेर इन द सेंस की पैसे वाला जगह। ठीक है, जनरली इसको क्या बोला जाता है, पैसे वाला जगह। मैं इसको कैसे देखता हूँ, आप अपने नजरिए से देख सकते हो, मैं किस नजर से देखता हूँ इसको, इस जगह को क्यों पैसे वाला जगह बोला जाता है, क्योंकि जनरली अगर कोई भी अटैक क्या बोलते हैं, इन द सेंस चोरी करने के माइंडसेट से कोई भी आपके घर के अंदर एंट्री करता है, ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसा हो, बट कोई भी अगर इस माइंडसेट के साथ अंदर आता है तो जनरली उसका फोकस होता है घर के अंदर, मतलब हर रूम में जाने की कोशिश करेगा, बट ये पड़ोस वाला रूम को ध्यान नहीं दे पाएगा वो। मैं प्रैक्टिकली इस तरीके से सोचता हूँ, ठीक है, मजाक लग सकता है बट सोचता हूँ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पे बोला जाता है कि आप पैसे रख सकते हो, अपने जेवर्स रख सकते हो, यानी गोल्ड गोल्ड वगैरह रख सकते हो, डायमंड आपके पास है तो डायमंड रख सकते हो, तो कुल मिला के ऐसी चीजों का जगह है, और मेरा मेन मानना है कि यहाँ पर सेफ रहता है इसकी वजह से। इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था, अभी आप लोगों ने देखा कि ये सबसे अच्छा जगह किस चीज के लिए है, ये सबसे अच्छा जगह जो है वो है क्या बोलते हैं, वायु मतलब हवा के लिए है। ठीक है, तो हवा के लिए जो जगह है वहां पर क्या कर सकते हो, वहां पर ग्रीनरीज दे सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, वहां पर टॉयलेट्स दे सकते हो, क्यों, क्योंकि हवा रहेगा तो साफ हो जाएगा वो जगह। ठीक है, गेस्ट रूम दे सकते हो, उसको अच्छा फील हो सकता है। कुछ और चीजें यहाँ पर हम ये नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, बालकनी बहुत अच्छी दे सकते हो इस जगह पे, इस जगह पे बहुत सी चीजें हैं, हवा का जो भी जिसको रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली जो जगह है, यहाँ पर हम लोग डाइनिंग रूम्स देते हैं, स्टडी रूम्स देते हैं, और ये रूम्स देते हैं, तो ये वायु के एरिया में ही अंदर आता है ये पूरा, और एडिशनल बेडरूम रखोगे तो अच्छा पीसफुल यहाँ पर महसूस होता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आपने देखा अभी किस चीज के जगह रिलेटेड, इस जगह को आपने देखा पृथ्वी से रिलेटेड। मैंने आपको क्या बताया कि भारी सामान रखना है, तो आज के टाइम के हिसाब से जो फैंसी टाइम चल रहा है, वार्डरोब लोग रखते हैं ज्यादातर, अब पहले के टाइम के हिसाब से बक्से वक्से थोड़ी रखते हैं, तो वार्डरोब रखते हैं, वार्डरोब ऑलरेडी भारी हो जाता है। उसके अलावा मास्टर बेडरूम यहाँ पर रख दिया, स्टोर रूम देख यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसका मेन माइंडसेट क्या है, पूरे घर की चिक चिक से दूर एक इंसान शांति से सोएगा तो कल के लिए अच्छा प्लान कर पाएगा, और उसके घर में अच्छा पैसा वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, और ये जो साउथ वाली जगह है, इसको मैं चिल्ड्रन बेडरूम के तौर पर देखता हूँ, किसके चिल्ड्रन बेड, आप कई जैसे वास्तु के रूल बढ़ोगे वहाँ पर लिखा रहेगा चिल्ड्रंस रूम देना चाहिए। अब इसको साइंटिफिक तरीके से देखो तो ठीक है, चिल्ड्रंस रूम में आप सबको पता है रील्स की दुनिया चल रही है। ठीक है, तो आज के परस्पेक्टिव से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रील्स की दुनिया चल रही है। इस फेज में अगर आप बच्चों को नहीं देख पा रहे हो अपने, तो मोबाइल को किस लोग तक लेके जा सकते हैं आपको आइडिया भी नहीं है। तो अगर आपका रूम मतलब मास्टर बेडरूम आपका पीछे है, आपके रूम के बगल में बच्चे का बेडरूम है, तो आप अच्छे से उसका रख रखाव देखभाल कर सकते हो। ठीक है, और आज के टाइम में प्रैंक कॉल तरह तरह की चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, इन सब चीज़ों से बचाव कर सकते हो अपने बच्चों का, पूरा
पुराने टाइम के हिसाब से, हम लोग के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो क्या बोलते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, या फिर कुछ भी खेल रहे हैं तो डंडे पड़ सके, इसलिए बेडरूम ऐसे जगह पर रखना अच्छा था। और लास्ट जगह है यहाँ पर फायर, जिसको हम लोग आग्नेय के नाम से जानते हैं, अग्नि। तो इस जगह पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किचन ही बनना समझदारी है। इसके जस्ट सामने मतलब बीच में देखो ना, बाथरूम और स्टोर रूम। तो आप बोलोगे सर यहाँ बाथरूम क्यों बनना चाहिए? यहाँ बाथरूम बनने का सबसे मेन रीज़न ये है कि बाथरूम को अगर सनलाइट नहीं आती है, कहीं पर भी अगर आप बाथरूम डिजाइन कर रहे हो वहाँ पर सनलाइट ना आए, मैंने भी एक लोगों को बहुत अच्छे से प्लान करके दिया, उन्होंने क्या किया बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं दिया, ठीक है। और आज प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैंने दिया था 2.5 फीट, तो उनको लगा कि 2.5 फीट ये इंजीनियर साहब नहीं जान रहे, खराब हो रहा है हमारा, वो पूरा दीवार से मिला लिए कि हमारा बाथरूम बड़ा सा हो जाएगा। हमने क्या किया था, 2.5 फीट का वेंटिलेशन दिया था, नहीं सुनी उन्होंने। मैंने ना, मेरा काम इंस्पेक्शन का है नहीं, क्योंकि इंस्पेक्शन के चार्जेस अलग होते हैं, तो मैंने एक बार ऐसे ही जाके देखा उनका रूम, तो बोले कि यार बहुत स्मेल आती है रूम में। तो हमने प्लान मिलाया, तो उनका 2.5 फीट जो मैंने छोड़ा था वो उन्होंने मिला रखा था बाथरूम को, लोगों को बड़ा दिखाने के चक्कर में। उसका वेंटिलेशन कहीं जाता नहीं, पीछे पड़ोसी का घर था, ठीक है, पीछे पड़ोसी का घर था, तो पूरे घर के अंदर महक आती रहती थी पूरे बाथरूम की। ऐसा आप लोगों ने भी फेस किया होगा अपने अगल बगल, या हम लोग के घरों में भी गलती हो जाती है ऐसी। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बाथरूम बना रहे हो तो सनलाइट एक ऐसी चीज़ है, मतलब कहते हैं ना सन एक तरीके से गिफ्ट है गॉड का, ठीक है। क्यों? सन के इंट्रैक्शन में जो चीज़ आती है वो चीज़ प्योर हो जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ सूरज की रोशनी में काम करना स्टार्ट कर दीजिए, विटामिन डी इतना अच्छे से भर जाएगा, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। घर में आम का अचार या फिर किसी भी चीज़ का अचार आप लोग खाते होंगे, तो अचार को खराब हो रहा है सनलाइट में रख दो, सही हो जाता है। कपड़े को धुल दो, कितना भी उसमें जम्स लगे हो सनलाइट में रख दो, अपने आप सही हो जाता है। तो सनलाइट एक तरीके से गॉड गिफ्ट है, ठीक है। वैसे तो ये पांचों चीज ही गॉड गिफ्ट है जो पंच महाभूत बताया। तो इसके माध्यम से पूरा आपका जो बाथरूम है उसके जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे, तो पूरे घर में स्मेल नहीं जाएगी। क्या स्मेल नहीं जाएगी? स्मेल इन द सेंस महक, बदबू नहीं आएगी पूरे घर के अंदर। और ये चीज़ केवल और केवल ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए बाथरूम, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट का दूसरा मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पीछे से आप पानी निकाल सकते हो जल के तरफ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में रखने से क्या फायदा होगा, पीछे से प्लम्बिंग की पाइप दे दिया, कम पाइप में आपका पानी यहाँ की तरफ चला जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट को आपको मैंने प्रैक्टिकली बताने की कोशिश किया है, न कि जो एक मेथड बना हुआ है, ठीक है। बाकी बीच वाला जो स्थान है उसको बोला जाता है संस्कृत भाषा में ब्रह्म स्थान, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोचो इसका मेन जगह क्या है, ब्रह्म स्थान मतलब होता है वर्शिप प्लेस। पर क्या बोलते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं यहाँ पर, तो अब तुलसी का पौधा भी आप प्रैक्टिकली देखो चीज़ों को, ठीक है। तुलसी के पौधे को साइंटिस्ट भी क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स ना, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। मुझे क्या लगता है प्रैक्टिकली कि अगर नीम सॉरी यहाँ पर तुलसी का पौधा बीच में होता है तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी, जो इसकी महक होगी, वो हर रूम में थोड़ी थोड़ी फैलेगी, प्लस यहाँ पर वेंटिलेशन का काम करेगा करेगा। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें आपको मजबूत भी बनाएंगी और आपका हेल्प भी करेंगी। आइए थोड़ा सा और समझते हैं, अब थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा, थ्योरी आपको खुद से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री को का स्लोप जो है किधर देना चाहिए, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में देना चाहिए। अब क्या बोलते हैं, इसके भी अगर मैं डीप में जाऊंगा तो बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये डायरेक्शन हाइट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मेजिनियन फ्लोर सबको बताया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ओपन स्पेस नॉर्थ ईस्ट में। अब ओपन स्पेस नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों, आपको सोचना चाहिए। ये नहीं कि बस वास्तु का नियम है तो मान लेंगे, ऐसे कैसे मान लेंगे यार, ठीक है। हम लोग इंजीनियर तो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। तो भाई प्रैक्टिकली ये समझ आता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर होगा तो सबसे अच्छी चीज़ है कि नॉर्थ डायरेक्शन से अच्छी अच्छी हवा आ जाएगी और ईस्ट डायरेक्शन में अच्छी अच्छी सनलाइट आ जाएगी। और ओपन स्पेस को और क्या चाहिए, सनलाइट हवा, बाकी तो सब कुछ है ही। तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन हो सकता है ओपन स्पेस के लिए, ठीक है। और ओपन सॉरी स्टेयर केस के लिए क्या हो सकता है, स्टेयर केस के लिए साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन स्टेयर केस के लिए माना जाता है कि आपको एक अच्छा जगह है। ऐसे गीजर के लिए, जनरेटर के लिए, अभी सब अलग अलग चीज़ों के लिए नहीं है, लोग डिस्कस करेंगे। रेन वाटर स्लोप्स के लिए, रेन वाटर स्लोप्स के लिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लोग बोलते हैं ना सर प्लम्बिंग करते हैं, समझ नहीं आता प्लम्बिंग किधर से करें, उसका स्लोप किधर दें। भाई घर में पानी का स्लोप देना है तो सीधा सीधा एक जगह समझो, क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि क्यों,
क्योंकि पानी जमेगा तो उसमें कीड़े अवेलेबल होंगे, और ईस्ट डायरेक्शन से जो सनलाइट आएगी उन कीड़ों को खत्म कर देगी, ठीक है, और नॉर्थ डायरेक्शन से वायु हवा आएगी तो साफ कर देगी जो भी उसके अंदर केमिकल्स वगैरह जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसलिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ऐसे ही ओवर हेड वाटर टैंक्स के लिए क्या, इसके लिए भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए क्योंकि हवा का इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो उसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन है। ऐसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक ईस्ट डायरेक्शन में, क्यों अंडरग्राउंड है ना तो पृथ्वी से अटैच है, तो क्या कर सकता है वहाँ पर, कीड़े मकोड़े तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, स्मेल आ सकती है, तो अगर सनलाइट आती रहेगी तो कभी भी टंकी में आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये सारे रीजंस हैं। ऐसे डोर को आपको किधर रखना चाहिए, डोर को उधर से रखना चाहिए जिधर से हवा आए, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, बरामदा को कहाँ रखना चाहिए जिधर से हवा आए, ठीक है, विंडो को कहाँ रखना चाहिए जिधर से ज़्यादा हवा आए। तो ये सब डायरेक्शंस आपको समझ आ ही गए होंगे प्रैक्टिकली कि क्या क्या तरीका होता है इन सब चीज़ों को करने का, ठीक है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है बट जानना चाहिए, प्राणिक और जैविक एनर्जी होती है, ठीक है। इस धरती पे जो भी चीज़ें हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होके ही पूरी की पूरी यूनिवर्स चलता है, पूरा जो यूनिवर्स है इसमें हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है, प्राणिक और जैविक होता ही होता है, ठीक है। चाहे जिस प्लेट फॉर्म में आप सोचोगे, आप कोई भी प्लान कर रहे हो कि मुझे ये करना है, उसमें दो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और मैं पढ़ूंगा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम दूंगा क्रैक होगा कि नहीं होगा। तो प्राणिक और जैविक दोनों का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव के सेंस में देख सकते हो। वास्तु क्या करता है, इसको कहता है सोलर एनर्जी टर्म्स एज प्राणिक, ठीक है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं प्राणिक। सोलर एनर्जी है ना, सनलाइट किधर से आती है, सीधी सीधी बात है नॉर्थ सॉरी ईस्ट डायरेक्शन से आती है। तो कहा जाता है ईस्ट और वेस्ट ये दोनों जो है ये प्राणिक एनर्जी के फॉर्म में है, क्योंकि सूर्य की रोशनी आती है सन ईस्ट से सॉरी ईस्ट से और वेस्ट की तरफ से क्या बोलते हैं वापस हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये सोलर एनर्जी का फॉर्म हो गया, ठीक है। और कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो कि प्रवाह करती है जैविक के फॉर्म में, ये प्रवाह करती है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, किधर नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। तो ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी है और सोलर एनर्जी भी है, तो इन दोनों के मिलने से ही पूरा का पूरा हमारे जो संसार है वो बैलेंस होके चलता है। तो इस 360 पर पूरा का पूरा सन घूमता है, आप सबको पता ही है। तो अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरीके का रिएक्शन देता है, और वास्तु यही बताता है कि किस टाइम पर कैसे आपको रहना चाहिए। जैसे कि जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग के समय पर आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में न रहे कि लाइटिंग्स हमारी जो है वो गर्मी में कैसी होंगी। सीधी सीधी बात है, गर्मी में हमारा जो लाइट होगा ज़्यादा टाइम के लिए होगा, सूर्य दिन ज़्यादा दिन बड़ा होता है ना गर्मी के टाइम पे, सुबह 3-4 बजे ही दिन हो जाता है, शाम को 8 बजे तक दिन रहता है। तो क्या हो गया, लाइटिंग उस समय पर ज़्यादा रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जब प्लान करो तो आपके दिमाग में रहे कि लाइटिंग का कोई टेंशन नहीं, पूरा दिन तो लाइट रहता है। आपके दिमाग में वो टेंशन बना रहे कि ठंडी के दिनों में कम लाइट्स आएंगी, कम सनलाइट की वजह से कैसे बैलेंस करना है, तो वो सब चीज़ों के बारे में आप थ्योरिटिकल दिया है, पर हम आपको बताते क्या है प्रैक्टिकल। तो चलिए प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पर देखो एक डायरेक्शंस बना हुआ है, तो इस डायरेक्शन से आपको आइडिया लगेगा। आप कभी भी घर बनाओ तो ऐसे खींच लो, ठीक है, प्लान बनाने के टाइम पे जो भी अच्छे डिजाइनर होते हैं ऐसे बगल में खींच लेते हैं, क्या नॉर्थ का एरो ऊपर साउथ का नीचे, ईस्ट का इधर वेस्ट का इधर, अब बस उनको सारा काम क्लियर हो गया। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे गेट दे देंगे वो सीधे से, ठीक है, बीच में एक ड्राइंग रूम लगा देंगे, ठीक है, कॉर्नर पे किचन सेटअप कर देंगे और इधर की तरफ मास्टर बेडरूम दे देंगे, कॉर्नर पे टॉयलेट दे देंगे। अब क्या जो बचा बीच की चीज़ें वो अगल बगल बैलेंस कर देंगे, ऑटोमेटिक प्लानिंग हो जाती है। तो एक्चुअली में देखा जाए जो मैं जिस मैनर से मैं देखता हूँ वास्तु को, ये प्लान को करना बड़ा आसान कर देता है यार, ठीक है, इसको अगर फॉलो किए तो प्लान करना बड़ा आसान। हम लोग अभी आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्लानिंग की है, आगे और करोगे, कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग कि गैरेज कहाँ बनाएं, बेडरूम कहाँ बनाएं, ठीक है, तो भैया ये अपने पास रखो ना, ठीक है, सीधे सीधे ले जाओ वहाँ पर, पेस्ट करते चले जाओ, अपने आप बनता चला जाए। मेन गेट कहाँ रखे बता तो चुके हैं, यहाँ पर रख दो, ठीक है। डोर विंडो किस डायरेक्शन में दे, डोर को कोशिश करो नॉर्थ डायरेक्शन में आए, विंडो को कोशिश करो कि नॉर्थ डायरेक्शन में आए, ठीक है, नॉर्थ में नहीं आता साउथ में आ जाए। तो यही तरीके हैं जिनको आप अपने सामने रखते हो तो बहुत हेल्प करता है। मैं खुद भी जब प्लान करता हूँ तो
इन सब इसका एक चार्ट नेट से डाउनलोड करके अपने रख लेता हूँ कैड के अंदर, जिससे कि बार बार देखने को फील ना हो। अब तो याद भी हो गया है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ बताने चल रहा हूँ। कई लोग सोचेंगे सर ये आज के टाइम पर आप वास्तु की बातें कर रहे हो, ठीक है, मुझे यूट्यूब पे एक दो लोगों ने बोला भी। तो भाई देखो, मॉडर्न फिजिक्स एंड वास्तु को जो समझ लेगा ना, वो इस पे डिस्कस नहीं करेगा, वो बोलेगा एक्चुअली में कुछ तो है, ठीक है। क्या? ग्रेविटेशनल इंटरसेक्शंस, सॉरी इंट्रैक्शंस, एज पर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी तो आइंस्टाइन के सामने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कैन बी इंटरप्रेटेड इन द टर्म्स ऑफ स्पेस टाइम ज्योमेट्री, ठीक है। मतलब हम इस स्पेस में टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई है क्या, ठीक है। मोदी साहब अपने आप को इतना लगाते हैं, क्या वो 6 बजे को 6 नहीं 8 बजे करवा सकते हैं क्या, ठीक है, क्या पूरे दुनिया में 6 बजे को 8 बजे बना सकते हैं क्या, या फिर 8 बजे को 9 बजे बना सकते हैं क्या। किसी के पास इतनी ताकत नहीं इस पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में, कि वो टाइम को कंट्रोल कर सके। बट देखो यहाँ पर वास्तु कहाँ पे वो काम करेगा। मैन हैज नो कंट्रोल ओवर द टाइम फैक्टर्स, बट फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द कॉस्मोस ही कैन एल्टर द स्पेस ही लिव्स इन। वो क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से। ये ताकत है आपके अंदर। ठंडी आई, ठीक है, बहुत से लोगों ने अभी इस समय जैकेट पहना होगा या फिर स्वेटर पहना होगा, कान वगैरह में भी कुछ लोगों ने बांधा होगा। तो ये क्या कर सकते हो आप, आपने रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया नेचर के साथ, कॉस्मोस, ठीक, रिलेशनशिप विद कॉस्मोस, ही कैन एल्टर द स्पेस ही लिव्स इन, ठीक है। आपने अपने हिसाब से रजाई या फिर ब्लैंकेट जहाँ पर जो रिक्वायर्ड है इस समय आप अपने बिस्तर पर रख लिए हो, तो क्या किया आपने, आपने टाइम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश की। तो वास्तु भी तो यही कहता है, कहता है जिस जगह पे हो इस जगह की इन्वायरमेंट को ठीक कर लो, ठीक है, आपका दिन अच्छा चलने लगे। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज और लिखी हुई है, वास्तु शास्त्र डिफाइन शेप्स फॉर डिजाइनिंग डेवलपिंग दैट आर इन द हार्मोनी विथ नेचर्स एंड आर बेनिफिशियल टू द माइंड बॉडी एंड पर्सन ऑक्यूपाइंग दिस हाउस। क्या बोल रही है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो माइंड बॉडी और पर्सन्स का जो माइंड सेट है वो अच्छा रहेगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है, अच्छा रहेगा तो क्या होगा, वो अच्छा सोचेगा, अच्छा सोचेगा तो उसके लाइफ में अच्छी चीजें होंगी। डिक कल, यहाँ पर दो टर्म्स यूज होते हैं, डिक मतलब होता है डायरेक्शंस एंड कल मतलब होता है टाइम। दीज थीम्स ऑफ वास्तु स्पेस टाइम्स इट रिफ्लेक्शंस इन मॉडर्न फिजिक्स, इसी फिजिक्स को जो वास्तु बहुत पहले हो चुका उसे आइंस्टाइन ने रिलेटिव थ्योरी का सिद्धांत बताया था। अब आइए देखते हैं, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि क्या ये वास्तु को हमको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पता चला मैंने बता दिया आपको, लगे कौन सी स्टेशन ने पढ़ा दिया हमको, तो भैया आओ देखते हैं, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी सुन लेते हैं। ओरिएंट रेटिंग्स और फैक्ट फाइंडिंग रेटिंग्स, मतलब एग्जैक्टली कितना पॉसिबल है, कौन सी जगह पर रखना जिसको हम फॉलो कर सके कि हाँ ठीक है यहाँ से ये चीज़ अच्छा हो सकता है। तो थ्योरी तो मैं आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। फॉर डिजाइनिंग क्राइटेरिया 6 की अकोमोडेशन यूनिट, नेमली गेट, ड्राइंग, क्या क्या देखना चाहिए। जनरली आपको गेट देखना चाहिए सही जगह पर हो, ड्राइंग रूम देखना चाहिए सही जगह पर हो, किचन, टॉयलेट, स्टेयरकेस और बेडरूम, इतनी चीज़ों को ही केवल आप देख लो और इनका डायरेक्शन सही हो। यहाँ पर डायरेक्शन दे रखा है तो आप वास्तु के हिसाब से सही हो। जरूरी नहीं कि आप सबके लिए वास्तु का रूल फॉलो करो, पर इन तीन चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए, बेडरूम का, ड्राइंग रूम का, किचन का, नो डाउट आप टॉयलेट वगैरह का तो रखोगे। पर आज के टाइम जो प्लॉटिंग्स होती है उन प्लॉटिंग्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जरूरी नहीं कि सारे घर आपको इस डायरेक्शन में ही मिल जाए। तब आपको वहां पर रेटिंग्स देना पड़ता है कि चलो इस डायरेक्शन में ना सही और कहीं हो सकता है क्या। तो देखो अगर 10 out of 10 एकदम, मतलब 100% एग्जैक्ट जो जगह होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अभी आपको दिखाया, मास्टर बेडरूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति रहती है। ड्राइंग रूम होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एज पर रूल्स। कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ओपनिंग्स उधर से होंगी, घर के अंदर एंट्री करने का तरीका उधर होगा, तो ड्राइंग रूम सामने ही बनाया जाता है जनरली। किचन नो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कहाँ? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको किचन को रखना चाहिए। अब अगर पॉसिबल नहीं है तो 9 रेटिंग के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये ऐसे प्रैक्टिकली रेटिंग किया गया है।
तो साउथ डायरेक्शन में भी बेडरूम रख दिया तो भी चलेगा, ड्राइंग रूम ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया तो भी चलेगा, किचन को साउथ में बना दिया तो भी चलेगा, वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ देखो ना अपने आप रेटिंग गिरती चली जा रही है, तो 3 स्टार तक आप जा सकते हो कि यहाँ तक ठीक है काम हो जाएगा। तो बेडरूम को जनरली आप ईस्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हो, लेकिन केवल 4 रेटिंग्स आपको मिल रही है, आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे बेस्ट, वेरी गुड, गुड, ओके, चलो ठीक है, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में ही है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं FFR की। तो ये FFR क्या है कि एग्जैक्टली क्या रेटिंग देना चाहिए हमको, तो द डिटेल ऑफ स्कोरिंग मेथड इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द रेसिडेंशियल वर पर्सनली इंटरव्यू टू रिकॉर्ड द इवेंट द फीलिंग्स ऑफ द डेवलर्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरीज, ठीक है। कई लोग के दिमाग में कई ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे कि अच्छा ठीक है मेरा साउथ में हुआ था तो वहाँ पर 8 रेटिंग है, यहाँ पर 6 रेटिंग है, यहाँ पर 5 रेटिंग, आपके दिमाग में आएगा। दस द ओवरऑल फीलिंग्स कॉल द फैक्ट फाइंडिंग रेटिंग्स, क्या सब सही है क्या आप सोचते हो, ऑब्जर्व द 2 रेटिंग्स वर कंपेयर ड्यूरिंग द एनालिसिस डाटा, ठीक है। आप बैठ के आराम से देखते हो कि एग्जैक्ट कहाँ चाहिए था, थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ हमने कंप्रोमाइज किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हो तो पता चलता है कि अगर आपने सबसे अच्छे से किया है तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दुनिया की जो सबसे अच्छी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग आप सबने सुना होगा व्हाइट हाउस, ठीक है, उसमें भी वास्तु के रूल्स को फॉलो किया गया है। ताजमहल आपने सुना होगा, अगर 15 नंबर क्लास देखा होगा तो आप सबने पढ़ लिया होगा, ताजमहल में भी वास्तु के रूल्स को फॉलो किया गया। द वर्ल्ड मोस्ट पॉलिटिकल पावर हाउस, मोस्ट पावर हाउस नहीं मतलब व्हाइट हाउस है, लिव्स हियर, दे हैव द ट्रेडिजियस अमाउंट ऑफ पावर टू एंड इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल अफेयर्स ड्यू टू एक्सीलेंट वास्तु, द नॉर्थ एंड ईस्ट आर ओपन, क्या है यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन को ओपन किया है, क्यों, ईस्ट डायरेक्शन से सनलाइट आएगी, नॉर्थ डायरेक्शन से हवा आएगी, तो इन दोनों को क्या रखा गया ओपन, क्योंकि ये तो हमारे घर के लिए जरूरी है। तो आप समझ सकते हो जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को वास्तु के हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं इसका काफ़ी अच्छा, पहले के टाइम पे लोग पेंट वगैरह को भी वास्तु के हिसाब से करते थे। अब वो लोग सर नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर ये थोड़े से रिजल्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। क्या क्या रिजल्ट्स हैं आइए देखते हैं। आई इंकरेज यू टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू योर होम या बिजनेस इज नॉट प्रॉपरली वास्तु सिंक्रोनाइज देन योर हेल्थ एंड मटेरियल वेल्थ विल स्लोली डिक्रीज इन क्वालिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, आपकी वास्तु के हिसाब से नहीं रहेगा तो मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा या फिर मेरे घर में क्या बोलते हैं उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। है क्या फिर, है ये कि अगर आपके घर में पीस नहीं है जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, या फिर अंदर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव तरीके से नहीं है, तो माइंड थोड़ा सा कम अच्छा काम कर पाएगा, तो कम अच्छा काम कर पाएगा तो ग्रोथ अपनी कम होगी, ठीक है। बिजनेस के फॉर्म में भी देखें तो बिजनेस भी अगर हमारी अच्छे लोकेशन पर नहीं होगी, सामने से अच्छे सनलाइट या तरह तरह की चीज़ें नहीं आ रही होंगी, तो लोगों को उस लोकेशन पर जाना कम पसंद आएगा। जनरली आप लोग देखते हैं ना कहीं कहीं जाने में बड़ा मज़ा आ जाता है, जैसे मॉल वगैरह को देखो कैसे अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं तो आपका मन करता है कि गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाएंगे, जब आप घूमने जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर लेते हो तो उनका बिजनेस हो जाता है। नेचर इज नॉट गोइंग टू कम एंड टेल यू द पर्सनली टू फिक्स योर प्लेस अकॉर्डिंग टू वास्तु, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सके वास्तु को फॉलो करें। इन द सेम मैनर्स सपोज यू टू ईट जंक फूड, क्यों करना चाहिए, ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। In the same manner, suppose if you eat junk food all the times, you can live. However, your body cells will start burning fast and will wear out fast. मतलब कि ऐसा नहीं कि बिना वास्तु के आप नहीं रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हो, पर वैसे ही जैसे आप फास्ट फूड पे काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकते हो, मतलब आप पिज्जा बर्गर पे जिंदा रह सकते हो, पर आपकी जो बॉडी है धीरे धीरे जल्दी डैमेज हो जाएगी एज कम्पेयर टू जैसा हम लोग देसी फूड खाते हैं। योर पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ इज गुड सिग्नल ऑफ वास्तु, सीधी सीधी बात है, शांति रहेगी तो घर में लड़ाई नहीं होगी, आपकी लड़ाई नहीं होगी शांति रहेगी, और सेम बात है वही है कि तब आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो यही है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ BIM, जो मैं आपको एकदम जो प्रैक्टिकल चीज है वो बता रहा हूँ, बाकी थ्योरी में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। द पाथ ऑफ एडॉप्शन ऑफ द वास्तु प्रिंसिपल वॉज नीली प्रैक्टिस बाई आवर एंशियंट सेज एंड कॉमर्स
फॉर द बिल्डिंग होम टेम्पल्स एंड सिटीज. दिस हैज गेन्ड मोमेंटम इन द मॉडर्न टाइम्स. लीडिंग आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स आर ऑफरिंग, बहुत से अभी कौन लीडिंग मतलब जो अच्छे आर्किटेक्ट और बिल्डर्स हैं, ऑफरिंग वास्तु कंप्लेन होम मतलब बोल रहे हैं कि हम वास्तु के हिसाब से घर बनाएंगे. टू देयर क्लाइंट्स वी नीड टू गेट आवर स्लीप्स कन्विंस दैट द वास्तु शास्त्र इज नॉट द होक्स बट ट्रस्टेड साइंस विच करेक्टली गाइडेस अस इन टूडेज वर्ल्ड फॉर हार्डशिप एंड स्ट्रेस. मतलब ये गाइड करता है कि एक्जैक्टली हाउ टू सर्वाइव. ठीक है, कुल मिला के ये मोटो है. अभी मैं तो एक जगह गया था वहाँ प्लॉटिंग देखने के लिए, लास्ट टाइम आपको साथ बताया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो लोग भी लिखे हुए हैं कि हम प्लॉटिंग जो कर रहे हैं वो भी हम वास्तु के हिसाब से कर रहे हैं. मैंने कहा चलो ठीक है, कुल मिला के मार्केटिंग का एक अच्छा एक तरीका भी हो गया उनका. ये तो मैंने आपको बहुत छोटे से फॉर्म में बताया जिससे आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपने बोला सर मुझे ना अपना ऑफिस ही खोलना है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, सजेशन की जगह बोल दो मैं किताब दूंगा आपको, उस किताब को घर पर बैठ के पी जाना. ठीक है, बहुत बड़ी सी किताब है, पूरी की पूरी किताब वास्तु से रिलेटेड है. प्लॉटिंग कैसे करना चाहिए वास्तु के हिसाब से, हॉस्पिटल कैसे बनाना चाहिए, स्कूल कैसे बनाना चाहिए, बैंक कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, एल शेप की बिल्डिंग कैसे बनानी चाहिए, आप पूरा इसको पढ़ लेना. मैंने इसी की समरी आपको कुछ छंद शब्दों में करने का प्रयास किया है. ठीक है, चलिए, होप आप लोगों ने सबने असाइनमेंट्स कर लिया होगा. चलिए देखते हैं कितना किसने असाइनमेंट्स किया है. कल आपको कुछ नहीं करना है, मतलब एंजॉय करना है, नहीं नहीं आपको सिर्फ कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है कल आपको. 17 तक सबने वॉच कर लिया होगा, उतना अभी के लिए ओके है. आपको क्या करना है, आपको केवल छोटा सा प्लान बनाना है, और इतना छोटा कि आपने सोचा नहीं होगा. केवल क्या करना है, एक लिविंग रूम बनाना है, एक पार्किंग बनाना है, और एक शॉप और एक किचन. छोटा सा रूम है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है. इसका एलिवेशन भी बहुत ईजी है, जितना भी आप लोगों ने बनाया है उसका ये आधा भी नहीं है. ठीक है, ये 1000 स्क्वायर फीट भी नहीं है, मतलब एक गुंठा भी नहीं है, एक बिस्वा भी नहीं है. ठीक है, तो आप समझ सकते हो बहुत छोटा सा प्लॉट फटाफट खींच दोगे. तो इतने में आराम कर लेंगे, नहीं नहीं थोड़ा सा और है. नेक्स्ट जो है वो तो आधा घंटा भी मुझे नहीं लग रहा है. ठीक है, प्लान फोर, प्लान थ्री और प्लान फोर बनाना है. प्लान फोर आपका जो उसका बिल्टअप एरिया है कितना है, 500 स्क्वायर फीट है, मतलब आधा घंटा है ये. ठीक है, तो बस इतने से जगह में एक लिविंग रूम बना देना है, किचन, एक बेडरूम, एक दो बेडरूम और एक किचन, मतलब 2 BHK बनाना है छोटा सा एक फ्लोर का. तो बहुत आसान है, तो बस यही दो आपको काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको. कल कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है, प्लान सेक्शन एलिवेशन बस दोनों का करना है. प्लान सेक्शन एलिवेशन तो आपका तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि आपके 10 घर नहीं हो जाएंगे. मतलब 10 प्लान जब बना लोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर होने लगेगा प्लान सेक्शन एलिवेशन के बारे में. मेरा प्रयास है कि मैं आपको 10 प्लान तक पहुँचा दूंगा. आइए देखते हैं असाइनमेंट्स किसने किसने किया है. असाइनमेंट्स कंपलसरी है, जिसने नहीं किया है अपना सॉलिड बहाना मुझे जरूर बताना. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, उन्होंने कर लिया है, लेकिन आपके लेक्चर्स कम चल रहे हैं दोस्त रमेश, तो लेक्चर्स को थोड़ा सा स्पीड में पकड़ो, नहीं तो पीछे हो जाओगे ना, तो रेविट में आपको दिक्कत जाएगी. 17 तक हमने दिया था, लगभग सबने 17 तक कर लिया है. सर हम कैट का 3D, यस 3D करने वाले हैं कैट का संदीप, बहुत जल्दी, मुश्किल से 2 से 3 दिन के बाद बस 3D करके ख़त्म कर देंगे. ऑटो कैट के एकदम लास्ट पावदान में हम सब जी रहे हैं. ठीक है, इसके बाद 3D करेंगे. बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक्सीलेंट. इन्होंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया है अभी तक मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेन किसी ने नहीं लगा. बहुत डिटेल में टॉपिक्स के नाम, कमांड्स के नाम लिख के, एक्सीलेंट सर यार अकबर, आपने बहुत अच्छा काम किया है. चलिए, इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है. वेरी गुड, इन्होंने अपने पुराने प्लान को जैसा इन्होंने वादा किया था सबमिट किया है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. देखो अच्छी बात है, इन्होंने कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट को पूरा किया, ये होना चाहिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, परफेक्ट सर यार, बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. इन्होंने 17 लेक्चर्स किए हुए हैं, एक्सीलेंट.
स्वराज तुम अच्छा कर रहे हो। बहुत जल्दी जैसे रेवी स्टार्ट होगा वैसे मैं आप लोगों को कुछ जॉब ओपनिंग्स भी बताने लगूंगा, इसलिए अच्छा परफॉर्म करते जाइए। यहीं से मैं जज करता हूँ कि आप कितना बेहतरीन कर रहे हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। केदार ने कितना किया हुआ है? वेरी गुड, केदार ने भी 17 लेक्चर्स कर लिया है, कहीं से भी पीछे नहीं है। आप लोग यहाँ पर छोटा सा ना एक प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं कुछ किसी को दिखाऊंगा, किसी ने किया होगा। एक छोटा सा कवर लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? आप लोग सर वो जो आप इंटरव्यू के लिए बोलते हो, नहीं मैं बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ, किसी ने किया होगा। तो वो इसलिए नहीं कि यहाँ पर कंपलसरी है, वो इसलिए कि आपकी आदत में आ जाए। जैसे आप किसी कॉल करते हो, किसी मैसेज करते हो ना, गुड मॉर्निंग है, पर हाय, ऐसे तरह तरह से करते हो, एक अच्छी चीज़ है ये। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस मतलब आदत डाल लो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा एलिवेशन आपने बनाया हुआ है, ठीक है? जैसे कि आपने इंटरव्यू में किसी पे गए तो आप डायरेक्ट अगर फाइल भेज देते हो तो लोग कम पसंद करते हैं, ठीक है? हमारी बात अलग है क्योंकि हम तो पता है कि आप क्या भेजने वाले हो, हमको क्या चाहिए। लेक्चर 16 तक इन्होंने कर लिया है, वेरी गुड, वेरी गुड प्रतीक्षा। बहुत बढ़िया, केदार ने भी अच्छा किया हुआ है, बहुत बढ़िया। केदार आपने 2 बार भेज दिया क्या? ठीक है जी, मैंने आप का लेक्चर पीछे चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट कर लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे कवर करने में, ठीक है? बाकी आप प्रेजेंट तो कर ही रहे हो अच्छे से, पर असाइनमेंट्स के साथ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो अपनी लेक्चर वॉच करने की। आज कोई लेक्चर नहीं है तो 2-3 लेक्चर बढ़ा लो अपने। मैं चाहता हूँ सभी लोग साथ चलें, इसीलिए बीच बीच में मैं रोक देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? मेरा बस मेन उद्देश्य यही रहता है कि सबको साथ लेके चले। अब जैसे किरण को ऑटो कैड आता है मुझे पता है, बट फिर भी हम चाहते हैं सब लोग अच्छे से सीखें, इसलिए आराम से चलते हैं, ठीक है? फिर भी किरण अभी आपको और ऑटो कैड में नीड है प्रैक्टिस में, कहीं ना कहीं आपका प्लान और अच्छा हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड नितिन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस बैच में बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बस ऐसे कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। भाई गड़बड़ चल रहा है अविनाश, पीछे हो जाओगे दोस्त, आपके रिपोर्ट कार्ड के, अरे बाप, रिपोर्ट कार्ड के अनुसार काफी पीछे चल रहे हो, कवर अप थोड़ा सा फास्ट करो। हाँ ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है एक छोटा सा कवर लेटर, तो ये देखो यार 17 लेक्चर्स भी वॉच कर लिया है। क्या लिखा हुआ इन्होंने? हाय प्लीज फाइंड अटैचमेंट। इसके जगह में थोड़ा और आप अच्छे से लिख सकते हो, हाय सर प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, या फिर PFA शॉर्ट कोड में लिखते हैं, तो वो आपकी अगर हैबिट रहेगी तो आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है? इंटरव्यू में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि हाँ ठीक है, ये काम अच्छा हो रहा है इनका। चलो सौम्या का देखते हैं भाई। हाँ इन्होंने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कवर लेटर में, वेरी गुड सौम्या, क्या एक्सप्लेन किया। देखो इसने भी काम वही किया है जो आपने किया है, थोड़ा सा इसने और अच्छा कर लिया है। और मुझे क्या, मैं क्या आपको बोला था, जो आप सौम्या ने जो किया हुआ है आप लोग पढ़िए, तो इसने थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया है, कंपलसरी नहीं है लाइन लिखना, आपकी हैबिट बनी रहेगी तो आगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब कंपनीज वगैरह में जाओगे, मेल करना रहेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या डियर सर आई हैव अटैच्ड DWG फाइल्स फॉर ब्रीच प्लान 1 प्लान 2 प्लान, या फिर उसके बाद आगे असाइनमेंट अलॉन्ग विद द एक्सेल सीट। इसलिए कोई बड़ा काम तो नहीं किया,
लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये आपको कंपनी में प्रोफेशनल बना देती है। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोग आगे से कैसे एक एक लाइन में, एक ही बार तो लिखना है, बार बार तो कॉपी पेस्ट ही करना है, ऐसा लिख के जरूर आप लोग भेजा करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी उसको लेके। क्या जुकाम को जैसे पूरा गला जाम हो गया है। क्या बात है, वेरी गुड शशि, क्या बात है, आपने तो प्लान में चार चांद लगा दिया है। हाँ शीता बोलो। हेलो, हाँ सर सीधा बोलो ना। क्या बात है, मयूर ने भी बना लिया है, वेरी गुड मयूर, अभी थोड़ा स्पीड मारने लगे हैं, पर थोड़ा फास्ट कर लो, ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा इसमें बना है पूरा, गुड। समीर ने भी एक्सेल सीट अपना शेयर कर दिया है, समीर 17 लेक्चर तो पहुंच गया है, ठीक है, अच्छी बात है। गुड, लेकिन अभी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है समीर, ठीक है, प्रयास कर रहे हो तुम, अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा स्पीड भी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। हर्षिता आप बोलो, फिर समीर बोल देखें। हेलो हाँ हर्षिता बोलो। सर, मैं कह रही थी मेरे को सेक्शन में क्लैरिटी नहीं हो रही, आप एक बार एक्सप्लेन कर मैं दीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेन अभी कर दे रहा हूँ, तुरंत ही कर दे रहा हूँ, पर बनाते जाना, ठीक है, जैसे आप देख के बना रहे हो ना, यार इसको बस बनाते जाना, 10 प्रोजेक्ट जैसे ही होगा आपका विजुलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा, मेथड में भी फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके चले। हाँ समीर बोलो। हेलो, हेलो, हाँ समीर, सर, मेरे तो सर बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं, गलत नहीं हो रहा है, तुमने बनाया, अच्छा प्रयास कर रहे हो, ठीक है, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा तुमको। मुझे सर मैं क्या बताऊं सर, कितना सर में दर्द हुआ है मुझे इन 3 दिनों में, ठीक है, बहुत देखो ज्यादा वक्त दिया है, उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होएगा नहीं हो जाएगा, ठीक, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा कैसे है ना, कि तुम्हारा ना डिजिटल सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कनेक्शन कम है, तुम कंप्यूटर्स कम यूज करते हो, राइट है, ठीक है, इसकी वजह से तुमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर ये समझो समीर कि उस दिन को याद करो जिस दिन आप इसी प्लान का कम से कम 5,000 रुपये क्लाइंट से चार्ज करोगे। अरे सर वो दिन सच में बहुत दूर है नहीं, और दूर नहीं मैं है, क्या। देखो कभी भी पॉजिटिव बोलना चाहिए, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तुमने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पढ़े ना, तो पॉजिटिव बोलना चाहिए, और ये फिक्स है कि तुम प्लान का चार्ज करोगे, कंप्यूटर से जो पहली बार अट्रैक्ट होता है, मतलब वर्क करना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है, पर मुझे खुशी है कि तुम प्लानिंग तक पहुंच गए हो, ठीक है, तो बिल्कुल सर टेंशन मत इसमें लो। मेरा हाँ बोलो, पूछो मेरे डाउट नहीं क्लियर हो रहे ना, डाउट पूछो, सर, मुझे बस क्या पूछूं, समझ में नहीं आ रहा, मैट्रिक पे बनाने लगे हैं तो दिक्कत हो रही है, हाँ पूरी पूरी कोशिश कर ली मैंने ऑफसेट करके, मतलब बड़ी सारी डीप। प्लान तो तुमने देखो पूरा बना लिया है, ठीक है, देखो अभी कैसे है ना, ये तुम्हारे लिए एक नया काम है, तुमने कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से सर थोड़ा बड़ा सा, अच्छा, मैं ही लेकिन मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर ये तुम मेहनत को कंटिन्यू रखे तो बिलीव करो कि आगे जो तो इस पे सक्सेस मिलती है ना, बहुत बेहतरीन मिलती है, तो मार्केट में प्लान का रेट पता कर लो, एक प्लान को बनाने का लोग क्या चार्ज करते हैं, ठीक है, खुद ही एनर्जी सर आ बहुत जाएगी, दूर की हिम्मत नहीं है, है मोटिवेशन खत्म हो जाता है जब वो प्लान ना एक्यूरेट नहीं हो रहा होता है, तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लगता है कि फिर देखो कहाँ उसमें दे। मैं तुमको एक चीज सजेशन दूंगा कि तुम ऑटोकैड के जगह पे कंप्यूटर पे ज्यादा टाइम बिताना, जरूरी नहीं तुम ऑटोकैड चलाओ, ठीक है, तुम कोशिश करो कि कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, गेम खेलो, ठीक है, अब बोलो सर गेम खेलने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप, तो पता है क्यों बोल रहा हूँ गेम खेलने के लिए, गेम खेलने से तुम्हारा माउस पर हाथ सेट होगा, ठीक है, टाइपिंग करो कीबोर्ड पर से हाथ सेट होगा, कुल मिला के जो तुम मोबाइल पर टाइम देते हो उसको लैपटॉप पे देने की कोशिश करो, या कंप्यूटर पे जो भी तुम्हारे पास है उस पर देने की, लैपटॉप में तो हाँ लॉगिन हुआ था लेकिन वहां पर पता नहीं हो नहीं पाया। तो कोशिश करो कि लैपटॉप और मोबाइल पर अपना टाइम जब देने लगोगे तो पक्का है कि तुम्हारा हैंडी होने लगोगे इससे, और इसमें केवल हैंडी का ही काम है,
क्यों? क्योंकि भाई नहीं तुमको है। बताओ कि अविनाश ने यहाँ पर कभी लैपटॉप ऑटोकैड नहीं सीखा हुआ है, ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो पहली बार चला रहे हैं, बट इन्होंने लैपटॉप बहुत चलाया है, उसकी वजह से फास्ट ग्रोन अप कर ले रहे हैं। सर मैं तो कमांड भी सीख गया, मतलब कमांड से भी काम कर रहा हूँ और वेरी गुड, जितना हो पा रहा है सब तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक्यूरेसी नहीं हो पा रही है। एक तो कंफ्यूजन मुझे इस बात का है कि ऑफलाइन क्या देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुमको एक मतलब पूरा दिन कैसा लग जा रहा है प्लान को बनाने में। पूरा दिन इसलिए लग जा रहा है नहीं, ना, क्यों लग जा रहा है पूरा दिन? सोचो अपने पास, अपने आप से पूछो कि मुझे पूरा दिन क्यों लग जा रहा है और एक लाइन खींचने में। एक एक्स वाई में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इफ जो पहली जो होती है साइड वो एक्स होता है और सेकंड वाली वाई होती है, तो इसको प्रैक्टिकल लाने में भी एक तो बड़ी सोच में मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं हर बार जब भी बनाने बैठता हूँ हाँ, एक्स। इसको और तुम उसके बाद कागज में अगर बना रहे हो तो बना कितने यूनिट बना सकते हो, सोचो। कागज तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो तुम क्या करो, पहले जो प्लान है उसको कागज पे एक बार ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं पहले ऐसा करता था, जब मेरी प्रैक्टिस कम थी तो मैं क्या करता था, पहले कागज पे उसको खींच लेता था, जो भी क्लाइंट बोले मैं पहले क्लाइंट कागज पे खींच लेता था, उसके बाद उसको देख देख के अपनी ड्रॉइंग्स जो हाथ से बनाई हुई है उसको देख देख के ऑटोकैड पर ड्रॉ करता था। बड़ा फास्ट होता है और प्लस कॉन्फिडेंस अच्छा आता है, वो ट्राई करके देखो। लेकिन ये कर लिया ठीक है, उसके बाद ऑफसेट का सीन भी, हर ऑफसेट को मतलब बाहर की साइड दे रहे हैं तो अंदर अगर मैं मेजर करता हूँ उसको तुम जाने दो, तो तुम उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं बोल रहा हूँ कि तुम देखो, सीधी सीधी बात है, तुमने जब बाइक पहली बार चलाया होगा तो किसी ने तुमको ये बोला था क्या कि 20 की स्पीड होते ही 2 नंबर लगा देना, फिर 30 की स्पीड होते ही 4 नंबर लगा देना, ऐसा बोला था किसी ने? नहीं, पता क्या बोला गया होगा, केवल सामने देखना, एक गियर लेना, एक्सीलेटर लिए रहना हल्का हल्का, यही बोला गया होगा, और ब्रेक पर पैर रखना। तो ये वाली बात को फॉलो करता हूँ। आप जैसे बोल रहे हैं कि ये बनाने वाले को हाँ वो, और इसमें ये जो प्लान आपने दिया ये हार्ड नहीं था हमारी प्लान। ये प्लान्स ऐसे प्लान होते हैं, बहुत लो लेवल के प्लान है ये, ठीक है। अभी चढ़ाई लंबी है, रेसिंग बाइक चलानी है तुमको, ठीक है, इसलिए तुमको इनसे मैं सब बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार तुम सीधे फोकस करो किस चीज़ पे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि हम जो हमारे पास है गलत बनाएंगे बट ड्रॉ करेंगे, पेपर पर ड्रॉ करेंगे, हम इस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 15 प्लान को करो, एक ठीक है, 15 प्लान करो, क्योंकि तुम बिलीव करो अगर इसको चलाने में दिक्कत आ रही है तो रैबिट में दिक्कत और आ जाएगी, ये दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए अगर तुम्हारा पूरा दिन लग रहा है तो तुम सोचो, क्योंकि पूरा दिन का काम नहीं है ये, जो तुम काम कर रहे हो बहुत छोटा सा काम है, 1 घंटे 2 घंटे का काम ऊपर है। से हाँ, लेकिन वही ना स्टार्टिंग की लेवल पे भी ऊपर से। अभी इस पर फोकस ये करो कि क्या मैं उसमें मैं लैपटॉप चला रहा हूँ क्या, और लैपटॉप के साथ मोबाइल फोन चला रहा हूँ क्या, ठीक है। अगर नहीं, मैं मोबाइल आज फोन, आपको ठीक है, वो ड्राइंग खुद से बना के हेड पे पेपर हाँ, क्योंकि जब तुमने पहले पूरा। पहले दिन तुमने बोला था ना कि 1 दिन सर लग गया मेरा, तो मुझे बिलीव हो गया, लेकिन आज तुम बोल रहे हो तो 1 दिन लग गया, ये गलत है, क्योंकि आज 1 दिन अगर 12 घंटे उस दिन लगे थे तो आज तुम्हें 10 घंटे लगने चाहिए थे, ठीक है। और अगला जो ड्राइंग होगा वो 8 घंटे, उससे कपाल 6 घंटे, जितना ड्राइंग उतना कम टाइम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, मैं सेकंड वाला हाँ उसमें आधा बना के मिरर कर दिया जाए जहाँ तक मुझे लग कर रहा है, सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हारा वो काम प्रैक्टिस करने का है ना, इसलिए मैं मिरर नहीं करने को बोलूंगा। जब प्रैक्टिस करना हो तो ये कुछ ऐसे हो गया कि सर पूरे ग्राउंड में चक्कर क्यों लगाए, आधे से कट के आ जाते, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, मिरर में 2-3 बार चक्कर लगा। अभी 2-3 बार चक्कर लगाने के लिए ही मैंने शॉर्टकट कमांड्स कम बताया आपको अभी, ठीक है। मैं सोच रहा लेकिन मैं सर कोई बात नहीं, तुम दूसरा प्लान ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ तुम गलत बनाओ ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ तुम गलत बनाओ, ठीक है। गलत बनाते बनाते सही कब होने लगे तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन वही है, ऐसे निगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव सोचा करो, ठीक है। चक्कर चलो अभी मैं संदीप से बात कर लेता हूँ। हाँ संदीप बोलो, संदीप संदीप बोलो, उसका बाइक से आवाज नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अभी कार्तिक से बात कर लेते हैं, फिर शशि से। हाँ कार्तिक, ठीक है, स्टेयरकेस का सेक्शन मैं बता देता हूँ, बहुत छोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हेलो कार्तिक,
हेलो हाँ करती बोलो। सर, मैं वो पूछ रहा था कि जो एक्सेल शीट में जो नहीं, कुछ लोगों के 17 लेक्चर तक हुए, वो मुझे समझे नहीं, अपने 17 लेक्चर तो हुए नहीं है सर। ठीक है, नहीं, वो 17 लेक्चर्स वीडियो रिकॉर्डिंग जो पढ़ते हो उसके 17 लेक्चर्स तुम वीडियो अच्छा हाँ जो वीडियो रिकॉर्डिंग पढ़ते हो ना, जैसे मैंने कल दिया था लेक्चर नंबर 17, उसके पहले दिया था लेक्चर 16, वो जो ऑटो कैड के जो हाँ ठीक है जो BIM वाले सेक्शन में जो ऑटो कैड के लेक्चर्स हैं उनकी बात हो रही है वहाँ पर, वो मेंशन अच्छा करना वहाँ अच्छा पर कि कितने लेक्चर्स तुमने वॉच किए हैं। उसमें से तुमने एक भी नहीं किया क्या? क्या सर? उसमें से किया है कि नहीं लेक्चर तुमने वॉच? हाँ सर, कि वो लेक्चर वॉच किए, लेकिन मैं समझ रहा था कि लाइव लेक्चर नहीं नहीं के नहीं रिपोर्ट बनाना लाइव है। तो आई थिंक 8 हुए होंगे मैक्सिमम, ठीक है 8 है 9, ठीक है यस सर। उसके लिए और बोले। सर, वो आज का असाइनमेंट के बारे में थोड़ा डाउट था। आपने हाँ वो कल जो 2 प्लान भेजे थे, वो तो ऑलरेडी ऑटोकैड फॉर्मेट में थे, हमको बनाना क्या था फिर उसमें? सेम टू सेम वैसा ही देख के बनाना था। अभी तो तुम अभी कैसे कि तुम खुद से हमें नहीं दे रहे ना डायरेक्ट नहीं पांच सर, इससे प्लान। पहले 2 प्लान हुए, वो आपने जो PDF भेजा था उसमें से बना के हाँ भेजे, करेक्ट तो उसमें मुझे डाउट हुआ कि ये तो ऑलरेडी ऑटोकैड फाइल है, तो इसमें क्या बनाना है? हाँ, तो इसको क्या करना है कि सेम फाइल को स्नैपशॉट लेके वैसा ही दूसरा हाँ ड्राइंग्स बनाना है पहली चीज। तो उससे क्या होगा कि ये कैसे कि कॉर्पोरेशन की ड्राइंग है ना, देखा तुमने उस पे साइड मार्जिन छूटा हुआ है, ठीक है बिल्टअप एरिया हाँ कारपेट एरिया लिखा हुआ है, तो तुमने क्या किया एक प्रिंट ड्राइंग से आगे आके नेक्स्ट वर्जन पे तुम आ गए कि तुम एकदम जो ये प्रैक्टिकली ये सब घर बने हुए हैं जो तुम देख रहे हो, ठीक है 5 प्लान दूंगा यस सर पांचों ही बने हुए, तो तुमने क्या किया एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर लिया ना ये, यस सर ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का असाइनमेंट होने वाला है उसमें तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ साइज दूंगा, थॉट तुम्हारा होगा, ठीक है तो वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा लेकिन वो तब कर पाओगे जब इसके रूल्स पता रहेंगे ना। हाँ तो ये सब ठीक है सर, स्टेप्स वो हैं, ठीक है इसलिए सर मैं आज का असाइनमेंट नहीं हुआ मेरा, नहीं मैं नहीं कर लो कल भेज, ठीक कर लो, ठीक है है चलो। सर। हाँ प्रतीक्षा बोलो। हेलो सर, मैंने असाइनमेंट नंबर 4 है ना, उसमें प्लान नंबर 2 है वो मैंने हाँ बनाया है, मुझे लगता है वो गलत है, आप एक बार चेक करके देखिए। ओके ओके, जो प्लान 2 तुमने भेजा वो वाला? हाँ असाइनमेंट नंबर 4 हाँ प्लान 2 ये एक ये प्लान 2 कैट फाइल है। देखिए देखो अभी हम बहुत डिटेलिंग्स में क्यों नहीं जाते, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस ये वाला ये शिप नहीं बनाओ। सर, ये नहीं ओके, दूसरी दूसरी वाली। वाली। हाँ ये प्लान 2 है ना, हाँ हाँ ये मुझे लग रहा है मैंने गलत बनाया है इसीलिए मैंने उसका सेक्शन एलिवेशन नहीं बनाया। ओके ओके, अच्छा इसका हाँ, सर इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब गलत जो बनाओगे, क्या गलत लग रहा तुमको? क्योंकि सर मैं जब डायमेंशन दे रही थी ना तब मुझे ऐसे लगा कुछ डायमेंशन मैच नहीं हो रहे। तो अंदर से होगा 2.89। हाँ थोड़े थोड़े मिस, मेजरली थोड़े थोड़े हाँ, और मिसमैच है। ऊपर का टॉयलेट है ना ऊपर वाला ये, हाँ हाँ ये इसमें तो बहुत गड़बड़ लग रहा है। 1.47। हाँ ये तुमने ड्राइंग कहाँ से बनाया फिर, कैसे बनाया इसको? मैंने डायमेंशन डाल डाल के बनाया लेकिन ये यहाँ पे हो नहीं रहा था इसलिए मैंने क्या किया नहीं, बीच में से लाइन कर दी और हाफ में डिवाइड कर इसको दिया इसको हमने कैसे बोला था कि इसको ना स्नैपशॉट ले लेना था, फिर मोबाइल पर डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ये। बोलते हैं उसको, क्या करना है सिर्फ देख के खुद से डायमेंशन देकर ड्रॉ करना है था आपको, कैसे कि जैसे यहाँ पे क्या ना टू हाँ पॉइंट सर ये सेवन खुद से किए है। ओके फिर क्यों इतना मिसमैच कर रहा है ना हाँ खुद से लेकिन क्यों? ऐसे बनाया बनाया के लास्ट में जाके यहाँ पे मुझे गड़बड़ मिला, मतलब पूरा हो या जब तक पूरा हुआ ना यहाँ पे मुझे गड़बड़ लगा कोई बात वो नहीं, कोई टॉयलेट की जगह पे। देखो गड़बड़ कुछ नहीं है, सिर्फ क्या डिस्टेंस गड़बड़ हो रहे हैं ना तुम्हारे, ठीक है। तो उसको तुम इसी, ऑफसेट में हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें क्या किया होगा तुमने, आउटर साइड में ऑफसेट मार दिए होंगे तुमने, तो जब तुमने आउटर साइड में ऑफसेट मार दिए होंगे तो जनरली क्या हो गया होगा, डायमेंशन आगे वाले के लिए कम पड़ गया होगा, ठीक है। ओके तो ये केवल है, तो ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है, ठीक है। अभी जैसे अभी तुम तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम इसी के ऊपर हाँ अपना प्लान और सेक्शन और रिलेशन क्रिएट कर दो, ठीक है, जो बना है सेम हाँ इसी प्लान पे, ठीक है। तो अभी हाँ डिस्टेंस इतना बहुत ज़्यादा मैटर तुम्हारे उस पर रिस्पेक्ट पे नहीं मैटर करता है, क्यों? क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, तो यू कैन डू दैट, हाँ ठीक है, ओके कोई सर कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है। चले ओके सर। हाँ संदीप, तुम्हारे 7 बज गया क्या?
संदीप का 7 बज गया। तो कोई वो नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है डायमेंशन का गलत होना। हाँ देख लिया मैंने, संदीप तुमने बनाया बहुत अच्छा, वेरी गुड। और क्या बोलते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात मत सोचो कि आपसे गलत हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बनाया तुमने यार, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, और अगर आप लर्निंग लेवल पर गलती नहीं करोगे तो फिर कौन गलती करेगा। तो यू कैन कंटिन्यूट योर रॉन्ग्स, ठीक है, जो भी रॉन्ग बना रहे हो उसके साथ कंटिन्यूटी में बनाए रहो। जैसे आप 5 प्लान बना लोगे ना, छठवां प्लान जो मैं दूंगा थोड़ा बड़े लेवल का है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा नींद भी कम आएगी और अपने आप हो जाए, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा, एरिया में समझाने वाला हूँ, नोट समझाने वाला हूँ, और पेपर एरिया कैसे बनता है वो भी समझाने वाला हूँ संदीप, ठीक है। तो उसको तुमको सबको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं एलिवेशन कल तुमको पढ़ाऊंगा। सबको पता है मैं कोल्ड हुआ है, तो पूरा नाक में बार बार से गला जाम हो जा रहा है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कल आप लोगों को प्लान का, जो कल प्लान बना के आओगे उसी का सेक्शन बना देंगे, बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब बोल नहीं पाऊंगा तो मज़ा नहीं आ रहा है उतना, फॉर्म एनर्जी जो है उस लेवल की डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ठीक है। तो कल हम लोग उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग प्लान नंबर 3 और 4 अभी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, कल शेयर करना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो, और क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल भी समीर, आप बिल्कुल भी माइंड से निगेटिविटी को एकदम दूर कर दो। ये समझो कि लगे रहोगे तो फिक्स है कि सक्सेस मिलेगा दोस्त, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्लानिंग वगैरह एकदम बच्चों वाला खेल है, ठीक है। बस हाँ ये है कि हमारा लैपटॉप पे प्रैक्टिस नहीं होता है इसलिए थोड़ा सा टफ हो जा लगने लगता है। केदार कुछ बोलना है क्या? हाँ पाटिल, चेक किया तुमने, बहुत अच्छा बनाया है लोकेश। हेलो, हाँ केदार, हेलो सर। हाँ केदार, हाँ सर, एक डाउट था मेरे को, इसको साइड मार्जिन्स और एयर मार्जिन्स में, हाँ वो क्या मतलब, आपका जो 17 लेक्चर देखा हाँ वो आप वो प्लान बना के दिखाए, उसमें क्या है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब साइड मार्जिन मार्जिन सब छोड़ते हैं, हाँ तो सपोज कि हमने कंपाउंड वॉल बन हाँ तो हमको कहाँ मतलब मेजर करना चाहिए, प्लॉट बाउंड्री से या कंपाउंड वॉल के इनर साइड से? हाँ हमेशा प्लॉट बाउंड्री से, प्लॉट हमेशा, बाउंड्री से, क्योंकि लेकिन आपने वो प्लान बनाया था आपने, हाँ तो आपने कंपाउंड वॉल्स की इनर साइड से लिया था, तो मुझको उसमें थोड़ा नहीं सा नहीं प्लॉट बाउंड्री है ना हमारा मेन, तो क्योंकि सीधी सीधे कंपाउंड तो हम अंदर भी ले सकते हैं ना, हाँ ठीक है। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, मुझे याद नहीं उसमें हमने क्या बोला, क्योंकि हो सकता है वहां का पर्सपेक्टिव रोड जा रही है, ठीक है, तो तुम्हारा हाँ प्लॉट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रोड से टच होकर तो स्टार्ट होगा ना, हाँ ठीक है, बिल्डिंग लाइन तुमने पढ़ाई है, ठीक है, तो बिल्डिंग लाइन से ही तुम्हारा प्लॉट स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। वो तुम्हारी बात की बात है, तुम्हारी अच्छी चीज है कि तुमने क्या किया, अपनी कंपाउंड वॉल को 3 फीट पीछे ले जाके स्टार्ट किया, लेकिन बाउंड्री तो तुम्हारी प्लॉट बाउंड्री से स्टार्ट हो गई ना, हाँ ठीक है। ओके, तुमने 30 बाई 50 का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, तो जहां 50 हो रहा है वही तुम्हारा बाउंड्री है, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, बाउंड्री से 2-3 फीट पीछे कंपाउंड वॉल बनाते हैं ना, छोड़ देते हैं कि हाँ भाई एक्स्ट्रा रखेंगे साइकिल वकील खड़ी करने के लिए, ठीक है, वो उनकी अपनी वो है, लेकिन जो मार्जिन स्टार्ट हो रही है वो प्लॉट बाउंड्री से होगी, ठीक है, ठीक वो तो ये समझ गए ना, लॉजिक तो यही लगेगा, समझ गया। ठीक है। चलो,